गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। मैसेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लो बैक पेन पे बात करेंगे, जो आजकल ऑर्थोपेडीज में बहुत कॉमन है। इसके ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे स्प्रेन, स्ट्रेन्स, ट्रॉमा, डायरेक्ट ट्रॉमा, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीजेस, हर्निएटेड डिस्क, सियाटिका, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइन टीबी। लेकिन हम जो बात करेंगे वो आज ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात करेंगे। ऑक्यूपेशन के कारण भी लो बैक पेन की कंप्लेंट्स बनी रहती हैं, जैसे ड्राइवर 4-5 घंटे लगातार एक ही पोजीशन में बैठ के गाड़ी चलाते हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप 1 घंटे बाद अपनी पोजीशन अवश्य बदल लें, पोजीशन जरूर चेंज कर लें, जिससे आपको लो बैक पेन में आराम मिले। फिर फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो झुक के बहुत वजनदार सामान उठाते हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि भारी वजनदार सामान उठाते वक्त अपने एक LS बेल्ट आती है, लंबर स्पाइन बेल्ट आती है, उसको बांध ले, जिससे आपके वर्टिब्रा पे उतना ज्यादा जोर ना लगे, प्रेशर ना पड़े, जिससे आपको लो बैक पेन की कंप्लेंट्स आप बच सके। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बचाव की, इसके ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की। तो कुछ मेडिकेशंस हैं, सिंपल एनसेड मेडिकेशन जो आपको कहीं भी बड़ी कॉमनली मिल जाती हैं, जैसे नेप्रोक्सेन हुई, एसिक्लोशेराशियो पैरासिटामोल की कॉम्बिनेशन की मेडिसिन आप ले सकते हैं, लोकल ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, हीट और कोल्ड फोमेंटेशन कर सकते हैं। सबसे जरूरी, अपना स्लीपिंग पोजीशन करेक्ट करेंगे, जिससे स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, स्ट्रेट रहे। फिर कुछ स्ट्रेचेज और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये आप करके थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।